तो आइए आज हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स कैन बी यूज टू क्लीन द सरफेस ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, यानी गोल्ड ऑर्नामेंट्स को साफ करने के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर होगा सी एक्वारीजिया। इसमें 3 यूनिट HCl का होता है और 1 यूनिट होता है HNO3 का। अगला क्वेश्चन है, द कार्बोनेटेड बेवरेज सच एज सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, यानी कि जो हम लोग सोडा वाटर पीते हैं या फिर सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं उसमें क्या रहता है। तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, द गोबर गैस मेनली कंटेंट्स, क्या कंटेंट करता है गोबर गैस। तो गोबर गैस मेनली मिथेन कंटेंट करता है, मिथेन। अगला क्वेश्चन, द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स, जी हाँ हर एक एसिड में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो वो है हाइड्रोजन, आपको हर एक एसिड में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द गैस यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर, जी हाँ आग बुझाने के लिए कौन सा गैस का इस्तेमाल होता है, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, द बैलून्स आर फिल्ड विथ, जी हाँ बैलून्स हो चाहे फिर जो डाइवर्स होते हैं जो समुद्र में डाइव करते हैं वहाँ भी हीलियम का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है, द एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन रॉक्स एंड मिनरल्स, जी हाँ तो वो होगा सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है, द एलॉय यूज इन मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस, यानी कि हीटर्स में कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल होता है, जी वो निक्रोम का रहता है और उसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई रहता है। क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल्स आर प्रेजेंट इन क्रिप्टोक्रोम एंड क्लोरोफिल। तो देखिए ये क्रिप्टोक्रोम में प्रेजेंट रहता है आयरन और क्लोरोफिल में तो पता है मैग्नीशियम, तो सही आंसर होगा आयरन एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल राइट और पेपर स्प्रे, जी हाँ कंट्रोल राइट और पेपर स्प्रे में कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है, तो उसका आंसर होगा कैप्सिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन ब्यूटी पार्लर फॉर हेयर सेटिंग, जी हाँ तो ब्यूटी पार्लर में लोग सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फिल्ड इन ACs, एयर कंडीशनर, तो ये चाहे आपका AC हो गया चाहे फ्रिज हो गया चाहे और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गया उसमें आपका फ्रियोन गैस मिक्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन द आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जी हाँ तो आर्टिफिशियल रैपनिंग में इथिलीन का इस्तेमाल होता है जिसे इथिन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ द टू आइटम आर हैविंग सेड टू बी आइसोटोप्स देन दे विल हैव द सेम एटमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, आंसर होगा ए। लेकिन अगर जिस इसका रिवर्स हो कि सेम मास नंबर हो और डिफरेंट एटमिक नंबर हो तो होगा आइसोबार। अगला क्वेश्चन है, द सोडियम स्टेरेट इज यूज एज अ सॉल्ट एंड इज यूज प्राइमरली इन, जी हाँ सोडियम स्टेरेट एक बेस है तो इसका मैक्सिमम यूज होता है सोप मेकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एपिडेमिक ऑफ मिनी माता डिजीज, तो मिनी माता डिजीज आपका मरकरी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेस्टिक LPG सिलेंडर में गैस लीकेज के डिटेक्शन करने के लिए हम लोग क्या मिक्स करते हैं, जी हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज मिक्सड इन द डोमेस्टिक LPG सिलेंडर टू हेल्प द डिटेक्शन ऑफ लीकेज, तो इसका आंसर होगा इथाइल मरकैप्टेन या फिर इथेनॉल, थायोथेनॉल भी कहते हैं उसको। कॉन्टैक्ट लेंसेज आर मेड फ्रॉम, जी हाँ कॉन्टैक्ट लेंसेज होता है वो ल्यूसाइड से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटीसेप्टिक, जी हाँ एंटीसेप्टिक के इस्तेमाल में आपका आयोडीन यूज होता है। द कमर्शियली वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इन्वॉल्व्स, यानी वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में क्या इस्तेमाल होता है, सल्फर। और अगर पूछे कि गैल्वनाइजेशन में क्या इस्तेमाल होता है, तो गैल्वनाइजेशन में आपका जिंक इस्तेमाल होता है ताकि उसको रस्टिंग से बचाया जा सके। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, जी हाँ तो मोस्ट अबंडेंट अगर मेटल बोल दिया तो अल्मोनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेट्राइथाइल लेड यानी कि TEL,
इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो जी हाँ, TL का इस्तेमाल होता है पेट्रोल एडिटिव के रूप में, लीडेड पेट्रोल, अनलीडेड पेट्रोल ये मिलता है, यानी कि उसमें लेड मिलाया हुआ है या फिर लेड मिलाया हुआ नहीं है। तो जी हाँ, तो लेड का इस्तेमाल होता है पेट्रोल में। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, अगली बार फिर ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे आपके सामने। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।